नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मेरे बताए उस तरीके से गर्म पानी में शहद लेना शुरू कर देंगे तो आप ना जाने कितने भयंकर रोगों से लड़ पाएंगे, उनको जड़ से खत्म कर पाएंगे, वो भी सिर्फ घर बैठे बैठे। देखिए, सबसे बड़ा जड़ हमारा क्या है, आजकल की खान पान। अगर हम मोटे हैं या बीमार हैं या बहुत सारी बीमारियां जो आजकल के समय में इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन कभी आपने बैठकर सोचा है? आपका लाइफस्टाइल। आप एक तो टाइम से सोते नहीं, सोते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, और जब खाना खाने बैठते हैं तो मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल करते हैं, एक तो भोजन का अनादर करते हैं, और उसी टाइम पे जब आपका माइंड बिजी होता है तो आप जरूर से ज्यादा खाना खा लेते हैं, और आपके पास टाइम की होती है कमी तो घर पे फ्रेश फूड बनाने की जगह आप यूज करते हैं टेट्रा पैक्स या रेस्टोरेंट्स का फूड। रेस्टोरेंट के फूड्स में बहुत ज्यादा ऑयल होता है और खाने की गुणवत्ता बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बार बार उसी खाने को गर्म करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर कोई भी पौष्टिक आहार जा ही नहीं पाते हैं। आप जितने भी टेट्रा पैक्स जूसेस पीते हैं, आप दूध पीते हैं, वो सब आपके लिए नुकसानदायक है, और उन्हीं चीजों को आप अननेसेसरी इनटेक करते रहते हैं। आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं जूसेस की कि जूसेस बहुत अच्छे हैं, सूप्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, 5 मिनट में सूप तैयार, 5 मिनट में जूस तैयार, लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं? वो प्रिजर्वेटिव्स ना जाने कितने ज्यादा आपके शरीर में जाकर नुकसान करते हैं, और फायदा बिल्कुल जीरो। तो जितनी भी कोशिश करें, सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, 6 से 8 घंटे की नींद अच्छे से लें, स्ट्रेस को कम करें, और सबसे बड़ी चीज, जब भी खाना खाएं एक हेल्दी डाइट खाएं। जब सुबह आप निकलते हैं तो नाश्ता बहुत लोग स्किप कर देते हैं, नाश्ता स्किप करने की जगह आप 3 टाइम बराबर का खाना खाएं, थोड़ा टाइम से पहले उठें, क्योंकि जब आप नाश्ता स्किप करते हैं तो लंच और डिनर आप ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपकी भूख उतनी ज्यादा होती है, और ऐसे में उस भूख के टाइम अगर आपके सामने कोई भी फूड डाल दिया जाए, चाहे वो समोसे हो, ब्रेड पकौड़े हो, या कोई भी टेट्रा पैक फूड हो, तो आप उसको बहुत जल्दी इनटेक करते हैं, तो ऐसे में आपका शरीर ज्यादा फूलने लगता है, और जब 2 टाइम का खाना आप 1 टाइम में खाते हैं, बहुत लंबे टाइम का गैप देते हैं, तो आपकी इंटेस्टाइन यानी जो आते हैं, आपकी आंतों पर लोड पड़ता है, जिससे कि खाना डाइजेस्ट होने की जगह वो सड़ने लगता है आपके शरीर में, और वो सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में फैट बढ़ाता है, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, और ऐसे धीरे धीरे करते करते ना जाने ना चाहते हुए भी आप बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, आपका पाचन तंत्र तो इतना बिगड़ जाता है कि किसकी कोई हद ही नहीं है। तो एक तो अपने रूटीन में योग आसन एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। आज हम बात करने वाले हैं शहद के बारे में, शहद के अद्भुत फायदे, इसके बारे में मैं क्या बल्कि आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे से इसका जिक्र किया गया है कि शहद हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपकी पाचन क्रिया बहुत ज्यादा वीक है, आपको खाना खाने के बाद एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, ब्लॉटिंग की समस्या है, आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपका पेट फूलने लगता है, या आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होता है, या आप सिर्फ सिंगल एक रोटी खाते हैं और कहते हैं कि मेरे को तो हवा पानी भी लग जाता है, तो कभी आपने सोचा है कि वो हवा पानी का रीजन क्या है? क्योंकि आपका पाचन तंत्र बहुत कमजोर है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कमजोर है, जो आप खाते हैं वो आपके डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता, और उस खाने से आपको एनर्जी की जगह वो आपके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप शहद का सेवन करेंगे तो शहद में होते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुण, जो आपके पेट को ठीक रखते हैं, और जिससे कि आपके अंदर जितना भी गंदगी जमा हो गई है आपके पेट में, उसको अच्छे से डिटॉक्स करते हैं, आपके पेट को हाइड्रेट रखते हैं, जिससे कि आपके पेट का जो पीएच लेवल है वो अच्छे से मेंटेन रहता है, प्रॉपर हाइड्रेशन बनी रहती है, तो इससे जो आपकी कब्ज की शिकायत है वो दूर होती है, आप अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं, जिससे आपके सारे वेस्ट ऑक्सीजन आपके पॉटी के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और आपकी पाचन तंत्र जो है वो पहले से बहुत ही बेहतर हो जाती है। अगर आप शहद और गर्म पानी लेते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कच्चा शहद एंजाइम से समृद्ध होता है, ये विटामिन और खनिज से भरपूर होता है, ये हमारे शरीर की सारी नसों को, सारे ऑर्गन्स को बैक्टीरिया से, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनसे दूर रखता है। इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी त्वचा को अंदर से साफ करता है और उसको नेचुरली तरीके से निखारता है। जब आपकी बॉडी अंदर से साफ हो जाएगी, आपके ऑर्गन्स में जितनी भी गंदगी जमा थी, आपके पूरे शरीर में जो गंदगी जमा थी, तो उससे क्या होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे। अगर आपको यकीन नहीं तो आप 1 महीना गर्म पानी में शहद लेकर देखें, और फिर देखें आपके अंदर होने वाले बदलाव।
अगर आप शहद और गर्म पानी लेते हैं तो इससे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या होती है, आपके कील मुहासे और एलर्जी दूर होती है। अगर आपको भी पिंपल आने की समस्या है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मुरझा गई है, आपकी स्किन में मॉइस्चर खत्म हो गया है, डल पड़ गई है, तो ऐसे में सुबह आप गर्म पानी में शहद लें। कैसे लेना है मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी। ऐसे लेने से एक तो क्या होगा, आपके पिंपल जो है, आपके कील मुहासे जो भी निकल रहे हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, आपकी स्किन का जो नेचुरल ग्लो है वो बढ़ेगा। और अगर आपको शिकायत है ना कि आपके फेस पे समय से पहले बुढ़ापा आ गया है, तो ये एजिंग को भी स्लो डाउन करता है, हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, ये आपकी स्किन के लिए वरदान है। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर आ चुका है, एक अलग सा ग्लो आ चुका है। आप चाहे तो हनी फेशियल भी कर सकते हैं। अगर आप इस पे चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जो हनी आप खाएंगे इससे आप इंटरनली तो निखरेंगे, और अगर अपने चेहरे पर मेरे बताए उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, फेशियल करेंगे, तो आपके चेहरे पर दुगना ग्लो आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कफ की। अगर आपको कफ बहुत ज्यादा बनता है, बलगम बहुत ज्यादा बनती है, गले में खराश रहती है, तो शहद का इस्तेमाल करें, यानी गर्म पानी में शहद अगर आप घोल के पियेंगे तो इससे आप नोटिस करेंगे कि जो आपको अस्थमा की समस्या थी, आपके एकदम गले में जो खराश रहती थी वो बिल्कुल दूर हो गई है, आपका कंजेशन प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगा। बल्कि मैं तो आपसे कहूंगी जो आपके घर में छोटा बच्चा है, चाहे वो 1 साल का है, उसको भी जरूर शहद चटाएं, इससे उसके अंदर की जो सर्दी है वो बिल्कुल निकल जाएगी और उसकी छाती एकदम साफ हो जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों को कंजेशन बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि वो बच्चे ना तो अपने बलगम के थ्रू और ना ही नोजी के थ्रू अपना रेशा बाहर निकाल पाते हैं, इसलिए वो उनके अंदर छाती में जमने लगता है। अगर अपने शरीर को आप डिटॉक्स करना चाहते हैं तो गर्म पानी में शहद जरूर लें, ये आपके अंदर से लिवर को डिटॉक्स करेगा, आपके शरीर में जितना भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको खत्म करेगा, आपके शरीर में जितना भी ऑर्गन्स पे लोड आ चुका है, लिवर पे फैट आ चुका है, उसको रिड्यूस करेगा। अगर आप जिंदगी भर अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो गर्म पानी में शहद का सेवन करें, क्योंकि ये क्या होगा, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा रखेगा। क्योंकि दिल की बीमारी हमें क्यों होती है, जब हमारे शरीर में खाना सड़ने लगता है और वो खाना सड़ा हुआ हमारे खून में जमने लगता है, तो खून का जो फ्लो होता है उसमें थक्के जमने लगते हैं, गाढ़ा हो जाता है खून, और जब खून गाढ़ा होता है तो हमारे दिल तक ठीक से पहुंच नहीं पाता, जिससे हमें हार्ट अटैक जैसी समस्या हो जाती है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमें आने लगती है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपको हृदय से रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो, तो गर्म पानी में रोजाना सुबह शहद लें कम से कम 1 महीना, और उसके बाद देखें अपने शरीर में होने वाले बदलाव। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको फ्रेश फूड खाना ही है या जूस पीना ही है तो घर में मशीन लीजिए, उसका फ्रेश जूस निकालें। मैं तो आपसे कहूंगी बल्कि जूसेस के जगह अगर आप डायरेक्टली फूड को इंटेक करते हैं तो इससे आपके शरीर में अच्छा असर आता है, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपकी बॉडी अंदर से क्लींज रहती है। तो कोशिश करें जो पैकेट फूड्स होते हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करें, आपका वजन घटेगा ही घटेगा। ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाना ना खाएं, ज्यादा नमक ज्यादा मिर्ची आपके शरीर में वाटर लेवल बढ़ाता है, बीमारियां बढ़ाता है। अगर नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो आपके बल्जेस यानी साइड फैट दिखने लगता है, इन सबसे बच पाएंगे। तो आई होप कि आपको मैं बहुत सारी चीजें क्लियर कर पाई हूँ। तो शहद आपके शरीर के लिए वरदान है, प्लीज इसका इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को दें, खुद इस्तेमाल करें। अब जानते हैं इसको लेना कैसे है। आपने 1 चम्मच शहद का 1 कप गर्म पानी में, यानी लुक वार्म वाटर में, ज्यादा गर्म नहीं, लुक वार्म वाटर में आपने उसको मिक्स करना है, और सुबह के टाइम खाली पेट बासी मुंह, यानी जो आपकी लार है मुंह की, वो आपके पेट के अंदर जानी चाहिए, ऊपर से पानी आप इसको पी लीजिए, और फिर 3-4 ग्लास पानी और पीजिए। इससे क्या होगा, आपके मुंह की लार पेट में जाएगी, एसिड शांत होगा, और आप इतनी सारी बीमारियों से बच पाएंगे। तो ऐसी कुछ बेहतरीन देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, पानी बहुत 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 ज्यादा पिएं, तो हमेशा आपके लिए मैं कुछ ऐसा ही बेहतरीन लाती रहूंगी, आपकी सेहत का ख्याल रखती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।